तो हम लोगों ने ये पूरा टेबल जो है इसके ऊपर डेटा सेल्स जितने भी से सारे फिल कर दिए हैं, तो जो लास्ट सेल होगा आपके पास वो इंडिकेट कर रहा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस प्रोडक्ट्स के अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा वो 7 बनेगा आपके पास, ठीक है, 7 से कम नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 7 मिलेगा। अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स आइटम जो है वो सिलेक्ट करने हैं कि कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिनका सम जो है आपके पास 7 बनेगा। तो यहाँ पे हम एक कंसीडर कर देते हैं, एक्स आई में लिख देता हूँ कि हम सिलेक्ट जिसको भी सिलेक्ट करते जाएंगे उसको 1 और 0 के साथ इंडिकेट करते जाएंगे, ठीक है। तो दिस वन इज बढ़ा देता हूँ मैं, ओके। उसके अलावा हम वेट लिखते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू आई आपके पास, तो वेट आपने पहले से ही ऊपर मेंशन किए हुए हैं, तो मैं ऊपर वाले वेट ले लेता हूँ। यहाँ से 2, 3, 4, 5 आपके पास, 2, 3, 4 एंड 5, और इसी तरह प्रॉफिट वाला भी सिलेक्ट कर देते हैं, पी आई कर लेते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 3, 4, 5 हो गया, 3, 4, 5, 6 है, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ से इंडिकेट हो रहा है। जिसका वेट 2 है उसका प्रॉफिट आपके पास 3 है, जिसका वेट आपके पास 3 है उसका प्रॉफिट आपके पास 4 है, जिसका वेट 4 है उसका प्रॉफिट 5 है, जिसका वेट 5 है उसका प्रॉफिट 6 है आपके पास, ठीक है। इस तरह आपने थोड़ा इंडिकेट किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूँ। तो इस तरह हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हम पुट करेंगे लास्ट में, या तो 1 पे पुट करेंगे या तो 0 को पुट वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, ये हमारे पास है स्टार्टिंग पॉइंटर है, मैं इसको कलर कर दूँ, ठीक है। तो उसके अब वो सेल को चेक करेंगे कि अब वो सेल में क्या वैल्यू है, ये उसके ऊपर अब वो वैल्यू में वैल्यू सेम है, 7 प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो आप इस वेट वाले आइटम को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो सेल नंबर है, ये रो नंबर जो है जिसका वेट होगा आपके पास है 5 होगा, इसका मतलब इसको हमने 0 इंडिकेट कर दिया, इसका मतलब इसको हमें सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब वो वाले अगेन इस सेल पे हमारा पॉइंटर खड़ा है इस वक्त, तो इसके ऊपर वाले को सेल को चेक करेंगे, तो उसके ऊपर भी आपके पास 7 है, तो दोनों सिमिलर हैं, 7 प्रॉफिट है स्टिल, तो हम इस वेट वाले आइटम को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसको भी हमने ये क्योंकि थर्ड नंबर था उसलिए हमने यहाँ पे इसको 0 मेंशन किया हुआ है, ठीक है, दिस वन इज 0, ठीक है। तो अगेन हमने पॉइंटर अब हमारे पास 7 पे खड़ा है, इस रो के ऊपर खड़ा हुआ है जिसका जो वेट है आपके पास कितना है 3 है। इसके ऊपर वाले को चेक करेंगे तो ऊपर वाले में हम देख रहे हैं उसका जो है वहाँ पे वैल्यू चेंज है, ये 7 है और यहाँ पे आपके पास 3 है, इसका मतलब है इस रो पे जो वेट है उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उसका वेट है आपके पास 3 है, तो इसका मतलब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पिक करेंगे यहाँ से 7 को 1, तो इसको हमने ऑन कर दिया, बंद कर दिया। तो इसके ऊपर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपके पास कितना मिल रहा है 4 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी आपको पता है 7 है, और यहाँ पे जितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो 4 है, इसका मतलब है मैक्सिमम से रिमेनिंग प्रॉफिट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट कितना हो गया 3। तो अब आप इसके ऊपर वाले सेल को चेक करेंगे, किसी सेल में वैल्यू 3 तो नहीं है, हाँ हर एक में वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे दिस वन, ठीक है। तो अब पॉइंटर हमारे पास यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से हम इसके ऊपर वाले को चेक करेंगे, तो ऊपर वाले में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 2 है, तो वैल्यू यहाँ पे चेंज है, इसका मतलब है इसका जो वेट होगा यहाँ पे जो वेट है आपके पास वो है 2 दिस वन, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर देंगे दिस वन, इसको भी हमने सिलेक्ट कर दिया। तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है 2 के ऊपर, तो हमारे पास 3 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास कितना था 3, तो 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। अब ऊपर वाले सेल को चेक करेंगे 0 कहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो दिस वन, तो पॉइंटर आपके पास यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये 0 थ्रोज है, तो यहाँ पे आपके पास
टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब आप कंप्यूट करेंगे कौन कौन से सेल्स को आपने ऑन, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को आपने ऑन किया हुआ है। पहली वन, इसका वेट आपके पास 2 है और प्रॉफिट आपके पास 3 है, और फिर सेकंड वाले को भी आपने ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास वेट कितना है, 3 है, और प्रॉफिट आपके पास 4 है, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास 7 हो जाएगा। तो मीन्स यू हैव सिलेक्टेड द 2 प्रोडक्ट्स हैविंग द वेट 2 एंड 3 एंड हैविंग द प्रॉफिट इज 3 एंड 4, तो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 7, तो आपके पास 7 प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे कि किस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करते हैं यूजिंग नैपसैक प्रॉब्लम या डायनामिक अप्रोच को यूज करते हुए, इस तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।